नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में हर घर तिरंगा अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। अवगत कराया जाए जनता को, ज्यादा से ज्यादा की अंतर टीकमगढ़ जिले में भी प्रत्येक घर में तिरंगा ध्वज फहराया जाए, 11 से 17 के बीच ध्वज संहिता का पालन करते हैं। तो जो तैयारियां वो में इस अभियान को पूरी तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा, इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे ज़िले में लगभग 2.5 लाख हाउस होल्ड्स हैं, तो हमारे द्वारा झंडे की व्यवस्था कर ली गई है। इन झंडे को हमने आउटलेट्स पर्याप्त संख्या में प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित कर दिए हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक दुकानों को चिन्हांकित कर रहे हैं जिनमें आउटलेट्स स्थापित होंगे। साथ ही समाज के जो कमज़ोर तबके हैं, यदि ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उनको भी निःशुल्क झंडा उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए भी दान के माध्यम से भी व्यवस्था कर ली गई है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ज़िले के समस्त घरों में 11 से 17 अगस्त तक जो शासन का अभियान है हर घर तिरंगा, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।